तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेडलैम्प सर्किट का डायग्राम किस तरह रहता है, ताकि अगर आपका हेडलैम्प ऑन नहीं हो रहा है तो आप कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए। इसलिए आज मैं आपको पूरी हेडलैम्प की सर्किट दिखाऊंगा, और वो भी आज की लेटेस्ट कार के अंदर जो सर्किट डायग्राम यूज होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हेडलैम्प वायरिंग डायग्राम का सर्किट आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर बैटरी है, इग्निशन स्विच है, BCM ECU है, रिले है, कॉम्बी स्विच है और हेडलैम्प है। तो इतने हमारे पार्ट हेडलैम्प को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं। अभी वो सर्किट को हम कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हमारी सर्किट को प्ले करके देखते हैं। इग्निशन स्विच ऑन हुआ है, अभी हम कॉम्बिनेशन स्विच को ऑन करते हैं। तो देखो, अभी कॉम्बी स्विच हमने चालू किया तो हमारा हेडलैम्प चालू हुआ। पावर सप्लाई कैसे वर्क करता है इसके अंदर साफ आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ पावर जाता है और किस तरह हमारा हेडलैम्प का सर्किट वर्क करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।